मलाइियन इन्फ्लुएंसर जैसमिन योंग ने इंकशाफ किया कि उनका दो साल बेटा एनजो होटल के स्विमिंग पूल में डूबकर इंतकाल कर गया जबकि इस वक्त दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करीबी कमरे में आराम कर रहे थे तफसलत के मुताबिक इंस्टाग्राम पोस्ट की एक सीरीज के दौरान जसमिन योंग ने कहा कि मैं और मेरे शोहर लिम कॉन्ग वोंग बेटे एनजो के हमरा मदर्स डे मनाने के लिए ग्यारह मई को एक होटल में ठहरे हुए थे दोपहर तो के वक्त हम कुछ देर के लिए कमरे में आराम के लिए लेट गए अपनी एक पोस्ट में जसमिन योंग ने कहा कि एनजो हमेशा की तरह मेरे

के दिल की धड़कन बहाल भी हुई ताहम वो कॉमा में चला गया और बदकिस्मती से ऑक्सीजन की कमी के बायस दिल की धड़कन रुक गई हरकतें कल बंद होने के बायस एनजो इंतकाल कर गया जस्मिन योंग ने अपने लाखों फॉलोअर्स का दुआओं के लिए शुक्रिया अदा करते हुए अफसोसनाक वाक्य के हवाले से मुबालगाई ना करने और मन बातों से गुरेज की दरख्वास्त की है